बना रहना चाहिए। पंजाब के जालंधर की करीब 75 साल की महिला सत्या देवी की मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान के जेल में बंद उनके पति की 49 साल बाद रिहाई की उम्मीद जगी। सत्या देवी के पति मंगल सिंह 1971 की लड़ाई में लापता हो गए थे। उस वक्त मंगल की उम्र महज 27 साल थी। 1971 की लड़ाई में मंगल सिंह की बांग्लादेश के मोर्चे पर ड्यूटी लगाई गई थी। कुछ दिन बाद परिवार को खबर मिली कि सैनिकों को ले जा रही एक नाव डूब गई और उसमें सवार मंगल सिंह समेत सभी सैनिक मारे गए थे। लेकिन अगले ही साल रावलपिंडी रेडियो के जरिए मंगल सिंह के जिंदा होने और पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उनकी पत्नी सत्या देवी ने उन्हें भारत वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। हाल ही में राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय से उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें उनके पति के जिंदा होने और उनकी जल्द रिहाई का भरोसा दिया गया। करीब 49 साल बाद पति की रिहाई की उम्मीद के बाद सत्या देवी काफी खुश नजर आई। 2012 में जब ना रिफुद्दीन नाम का एक आदमी आया था पाकिस्तान से छूटकर, और वहाँ से ना वो लेटर लेके आया था, तो उसमें हमारे दादाजी का नाम आ गया था। तभी से पापा ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी, सरकार से लेटर वगैरह कार्रवाई पूरी की उन्होंने, और सरकार ने भी जवाब दिए उन्होंने। फिर बाद में ऐसे वार्तालाप चलती रही, बीच में बंद भी हो गई। रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए। रेटिंग एजेंसी S&P ने कोरोना संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिए। उसने मौजूदा वित्त वर्ष में GDP अनुमान बढ़ाकर -7.7% कर दिया। इससे पहले S&P ने GDP -9% रहने का अनुमान जताया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि सुधार कानूनों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे वक्त तक किसानों की अनदेखी की और अब जानबूझकर वो कृषि सुधारों का विरोध कर रही है। तुमने क्या दे दिया रे कांग्रेसियों, क्या दे दिया तुमने? आज बात कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं घड़ियाली। मुख्यमंत्री के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी ने पलटवार किया। झूठ देश के सामने है, फरेब देश के सामने है, देश देख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कंगना रनौत का मामला भी गूंजा। सदन में विपक्षी दल BJP ने राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलने वालों को जबरन फंसाने का आरोप लगाया। दिल्ली की राजौरी गार्डन पुलिस ने ड्रग तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 11 आरोपियों को पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में घायल हुए रविंद्र जाडेजा फिर भारतीय टीम में लौट आए। उनके फिट होने के बाद टीम में वापसी पर केक काटा गया, साथ ही इस दौरान कुलदीप यादव का जन्मदिन भी मनाया गया। कुलदीप यादव एक दिन पहले 26 साल के हो गए। एम्स